हाँ चलो हाँ हरे कृष्ण। लेट्स गो स्टार्ट कीजिए प्लीज कम। हरे कृष्णा। सॉरी ये पहली बार है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। हम अभी 5 मिनट कीर्तन करेंगे और फिर आगे एकादशी कथा स्टार्ट करेंगे। आपके बाजू में यहाँ दिख रहा है भजन। शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। माधव तिथि भगति जननी यतने पालन करी कृष्ण वसति वसति बलि परम आदरे वरी। गौर आमार जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरी व आमी प्रणय भगत संगे। मृदंग वाद्य सुनीते मौन अवसर सदा याचे गौर विहिता कीर्तन सुनी आनंदे हृदय नाचे। तो ये शब्द है ये बंगाली में लिखा हुआ है तो शायद आपको इतना अनुकूल नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे क्योंकि शुद्ध भक्तों के द्वारा रचित भजन को सुनना या गाना वो हमारे लिए बहुत ही लाभकर होता है। तो हम अभी गाएंगे, थोड़ा लेट हो गया है उसके लिए आप क्षमा करें। शुद्ध भक्त जतने पालन करी कृष्ण वसति वसति बलि कृष्ण वसति वसति परम आदरे गौर अमार ये सब स्थाने कल ब्राह्मण गौर अमार सब स्थाने कर लो ब्राह्मण से परम आनंद युगल
Thank you.
आप सबका बहुत ही आभार, आपने हमारे साथ वचन दोहराया। तो अभी हम इसका अनुवाद और फिर उसी के ऊपर थोड़ा विस्तार करने का प्रयास करेंगे। तो ये भजन जो है वो श्रील ठाकुर हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हो गए एक महान आचार्य हैं। तो पहले आपको थोड़ा सा बता दूं, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शुद्ध भक्तों की चरण धूली भक्ति के अनुकूल है और वैष्णवों की सेवा सिद्धि तथा दिव्य प्रेम रूपी कोमल लता की मूल है। मैं ध्यान पूर्वक भगवान माधव लीला दिवसों को मनाता हूँ क्योंकि वे भक्ति की जननी है। तो ये एकादशी के विषय में भी लागू होता है कि एकादशी माधव को प्रिय तिथि है और इसलिए हमें उसको अच्छे से मनाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जननी है, उससे हमारा भक्ति में उदय होता है। अपने निवास के लिए मैं अत्यंत आदर के साथ भगवान श्री कृष्ण के धाम का चुनाव करता हूँ। जिन जिन स्थानों की यात्रा मेरे गौर सुंदर भगवान ने की है, प्रेमी भक्तों के संग मैं भी उन स्थानों का भ्रमण करूंगा। मेरा मन सदैव मृदंग की ध्वनि सुनने के लिए लालायित रहता है। पता नहीं हम रहे थे आपको ध्वनि सुनाई दी या नहीं, क्योंकि ये थोड़ा पहली पहली बार है और हमारे पास रिसोर्सेज भी जो उपलब्ध है उसमें हम आप सबकी सेवा में। तो यहाँ पे लिखा है, मेरा मन सदैव मृदंग की ध्वनि सुनने के लिए लालायित रहता है। भगवान गौरचंद द्वारा स्थापित कीर्तनों को सुनकर मेरा हृदय आनंद में भाव विभोर होकर नृत्य करने लगता है। श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रहों को देखने से मैं परम आनंद का अनुभव करता हूँ। भगवान का प्रसाद स्वीकार करके मैं संपूर्ण मोह तथा माया पर विजय पा लेता हूँ। मैं जब भी अपने घर भगवान श्री हरि की सेवा होते देखता हूँ तो मुझे अपना घर गोलोक वृंदावन प्रतीत होता है। जब मैं भगवान के चरण कमलों से प्राली अमृतमयी गंगा को देखता हूँ तो मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रहती। पवित्र तुलसी का दर्शन मात्र मेरे प्राणों को सुख देता है क्योंकि मैं जानता हूँ तुलसी भगवान माधव को प्रसन्न कर श्री गौरांग महाप्रभु के प्रिय साग व्यंजन का आस्वादन करके मुझे अपना जीवन सार्थक लगने लगता है। श्रील भक्ति विनोद को कृष्ण की सेवा में जो भी अनुकूल प्राप्त होता है वे अत्यंत सुख से सुख के साथ प्रतिदिन उसका स्वीकार करते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की जय। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर एक आदर्श गृहस्थ के रूप में हमें यहाँ गृहस्थ की दिनचर्या और गृहस्थ के मनोभाव कैसे होने चाहिए वो यहाँ बहुत ही अच्छे से दिखा रहे हैं। तो पहले तो हमें जो भी हम आप सब उपलब्ध हुए हैं ऑनलाइन या फिर जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं या करेंगे या आध्यात्मिक जीवन का महत्व समझते हैं, मनुष्य जीवन में भगवान की खोज करना या फिर ऐसी जिज्ञासा करना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, परेशानियां क्यों आती है, हाँ कोरोना वायरस आ गया, पहले भी बहुत सारे वायरस आए थे, आगे भी आएंगे, तो कोई चाहता नहीं है ऐसी सब मुसीबतें आए, लॉकडाउन हो जाए हम, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम प्रकृति के द्वारा बंधे हुए हैं। मान लीजिए लॉकडाउन नहीं भी है तो भी बीमारियां आएंगी, तो भी हमें रात को सोना ही पड़ेगा, तो भी हम बूढ़े होंगे, होने ही वाले हैं, हाँ तो भी हम बीमार होने ही वाले हैं, तो ये कौन कर रहा है और इसमें से बाहर निकलने का समाधान क्या है? जब तक कोई व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न नहीं करता तब तक
शास्त्रों में उसे विपाद पशु ही कहा गया है। आहार निंद्रा वय मैथुनम च सामान्य मेतात पशु भी निराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु ही समानम। तो ऐसा कहा गया है कि आहार मतलब खाना, निंद्रा मतलब सोना, भय मतलब अपना रक्षण करना, जैसे हम आजकल कोरोना वायरस से बचने के लिए घर में लॉकडाउन है, हाँ हम बार बार हाथ धोते रहते हैं ऐसी सूचनाएं दी जाती है, मास्क पहनना चाहिए ऐसी सूचनाएं दी जाती है, कहीं भी बाहर जाए तो लोगों से 1-2 मीटर की दूरी पर रहना, ये सब काफी कुछ सूचनाएं हमें दी जा रही है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं करते हैं हमारा बचाव करते हैं। तो पशु पक्षी भी अपना बचाव कर लेते हैं। अगर आप आपके घर में बिल्ली आई है और वो दूर से ही आपको देखेगी तो वो भाग जाएगी, है ना। अगर मान लीजिए कोई पक्षी रोड पे बैठा है और आप साइकिल लेके जाएंगे तो वो तुरंत भाग जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ही हम पत्थर हाथ में लेंगे तो कौवा भाग जाएगा। तो सब में अपने अपने बचाव की चिंता है। बारिश आती है तो सब अपने घोंसले में चले जाते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई हमारे घर में आ जाते हैं, तो सब अपने बचाव की चिंता करते हैं और सब अपने अपने जैसे दूसरे संतानों को पैदा करते हैं। पारिवारिक जीवन भी हर कोई जीव जाति में देखा जाता है। और हालांकि अभी का मनुष्य जीवन अगर देखें तो कई बार ऐसा भी लगता है कि मनुष्य जीवन से अच्छा जीवन पशुओं का है, कई सारी अलग अलग बातों में। तो ये अगर हम यही कर रहे हैं मनुष्य जीवन में भी, तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है धर्मेण हीना पशु ही समानम। अगर यही चार चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हम पशु तुल्य ही है। तो विशेष क्या है मनुष्य जीवन में, ये जिज्ञासा करना, हम कौन है, भगवान कौन है, क्यों एकादशी पालन करनी चाहिए, उपवास करने से क्या हो जाएगा। लोग ऐसा कहते हैं ना, क्यों फालतू में अपने आप को कष्ट देते हो आप लोग, ये सब मान्यताएं हैं, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी अगर वो साइंटिस्ट कह ले कि आप उपवास कीजिए, उपवास करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी तो आप कोरोना वायरस से ज्यादा सक्षमता से लड़ सकते हैं, आपको कोरोना वायरस की इफेक्ट नहीं होगी, तो वो करने लग जाएंगे। तो हमारे शास्त्र में जो भी बात है, जो भी बताई गई है, सारी बातें वो ऑलरेडी साबित हो चुकी है, प्रूव्ड वस्तु है, हमें सिर्फ उसका स्वीकार करना चाहिए। उसको स्वीकार करने मात्र से ही हम बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। तो ऐसे मतलब लोगों का ऐसा अंधविश्वास है, शास्त्रों में विश्वास नहीं है, या शास्त्रों में अविश्वास है, या पूरा विश्वास नहीं है, तो इसीलिए लोग ऐसे संशय करते रहते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और शास्त्रों में श्रद्धा रखकर उसको अपनाएंगे, उसको जीवन में लाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो विशेष रूप से हम जो उपवास करते हैं, जो यहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भी बताया कि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, जो तिथि माधव को प्रिय है या माधव से संबंधित है, माधव मतलब लक्ष्मीपति कृष्ण, तो वो तिथि को मैं क्या करता हूं, यत्न से पालन करता हूं, बहुत ही उत्साह से ऐसे दिवसों को मैं सेलिब्रेट करता हूं, मनाता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से भगवान माधव प्रसन्न होंगे और भगवान माधव प्रसन्न होंगे तो माधव की प्रसन्नता से पूरा जग प्रसन्न हो जाएगा। यस्मिन तुष्टि जगत तुष्टो, तो भगवान के शुद्ध भक्तों की यही भावना होती है कि उनके हर एक कार्य से वो भगवान को संतुष्ट करें। जैसे अगर हम देखें भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, अनंत कोटि भक्त हैं, लेकिन उन सब में विशेष कौन है, ब्रजवासी गोकुलवासी। क्यों? क्योंकि उनको कृष्ण को संतुष्ट करने के अलावा, कृष्ण को प्रसन्न करने के अलावा उनके जीवन का और कोई मकसद नहीं था। चाहे भले ही वो हमें सब कुछ कार्य करते हुए दिखे, लेकिन वो हर कार्य और उसके पीछे एक ही उनका मकसद होता था, एक ही उसका प्रयोजन था, कृष्ण की संतुष्टि।
तो इसीलिए हम जब भी कोई कार्य करें तो वो कृष्ण को कैसे संतुष्ट करेगा उस उद्देश्य से हमें करना चाहिए, या ये कार्य करना चाहिए या नहीं, वो भी एक पहले प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को। तो इसीलिए ये अगर हम आज की जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की ये रचना है उसको अगर हम ध्यान से ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारी जीवन शैली किस प्रकार होनी चाहिए। तो जो लोग भी आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं तो उनको समझना चाहिए कि भगवान जो विभुज मुरलीधर रूप में है, भगवान श्री कृष्ण, वही हमारा हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। तो ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्म संहिता नामक जो एक स्तुति है उसमें लिखते हैं, प्रेमांजनाच्छुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यमश्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। भगवान गोविंद आप आदि पुरुष हैं, आप सभी सृष्टि का स्रोत हैं, मेरे भी स्रोत हैं, तो मैं आपका भजन करता हूं। आप कैसे हैं, जो जो भक्त जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा हुआ है, ऐसे भक्तगण को आप हमेशा दर्शन देने वाले हैं। जो भक्त को प्रेम अंजन लगा हुआ है जिसकी आंखों में, वो भक्त हमेशा भगवान के दर्शन करते हैं। तो इसीलिए जब तक हमने हमारी आंख में से जो मोतियाबिंद हुआ है इस भौतिक संसार को भोगने का और खुद को स्वामी मानने का, प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताने का, तो वो मोतियाबिंद जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम प्रेम अंजन से भगवान को नहीं देख पाएंगे, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं प्रकट होगा। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर ने जो यहाँ पहली लाइन गाई, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, तो वो कौन दे सकता है, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कौन कर सकता है? जो भक्त, जो भगवान का प्रतिनिधि, गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार भगवान से शुरू हुई परंपरा में जो आता है और उसके मुख से अगर जब हम भगवान का ये उपदेश भगवत गीता या श्रीमद् भागवत सुनते हैं और हमारे दिमाग से सब संशय दूर होते हैं, तो उन्हीं की कृपा से हमें ये जो कृष्ण प्रेम की लता का जो बीज है वो प्राप्त हो सकता है। आगे कहा ना, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। तो वो भक्तों के साथ रहने से, उनके साथ सेवा आदान प्रदान करने से हमें वो भक्ति लता का बीज मिल सकता है। तो इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पर हमें ये बात कह रहे हैं। और इसीलिए हमारे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी ने ये पूरा इस्कॉन आंदोलन प्रारंभ किया कि हर जगह सभी को भक्तों का संग मिलता रहे। और अभी लॉकडाउन में और कोई उपचार नहीं है, इसलिए हमने भी ये चैनल शुरू की प्रयास किया है। हमारे बहुत सारे मित्रों ने हमें प्रेरित किया और सहयोग किया, तो हमने थोड़ा प्रयास किया है, धीरे धीरे इस माध्यम से भी ये संग उपलब्ध हो, प्रभुपाद जी की पुस्तकों की हम चर्चा कर सकें, वैष्णव आचार्यों के चरित्र को और उनके भजनों को गा सके या उनकी चर्चा कर सके। इसलिए तो ये हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है, इस ऐसा हमें करना चाहिए। फिर आगे कहा कि मैं ऐसी एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी, अभी अभी रामनवमी गई, अभी नरसिंह चतुर्दशी आएगी, फिर गौर पूर्णिमा आएगी, नित्यानंद त्रयोदशी आएगी, तो ऐसे जो भी उत्सव या जो भी दिन है, तिथियां है कि जो भगवान माधव से संबंधित है, उनको मैं बहुत ही उत्साह से मनाता हूं, पालन करता हूं। और तब मुझे ऐसा लगता है कि
ये जो हमारा घर है, एक्चुअली अगर वास्तव में हम देखें तो हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। ये सृष्टि हम जब आए इस पृथ्वी पर हमारी माँ के गर्भ से जब हमने जन्म लिया, तो उससे पहले भी थी, अभी भी है और उसके बाद भी रहने वाली है ना। तो हमारा कुछ है नहीं, लेकिन हम फालतू में ऐसा समझ लेते हैं कि मैं ही स्वामी हूँ या मेरी प्रोप्राइटरशिप में ये सब चीजें हैं। तो तब हम क्या होता है, तब हमें फ्रस्ट्रेशन होता है, तब हमें चिंताएं होती है। हम अगर ये गलत धारणा में रहें कि हम ये स्वामी हैं और भोग हमारे जो भी वस्तु है हमारे भोग के लिए है, तो हम क्या होंगे, दुखी होंगे और चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे। जैसे रावण के पास सोने की लंका थी, क्या नहीं था, इतनी सुंदर पत्नी थी, महल था, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो चैन से सो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि वो इलीगल कार्य कर रहा था। तो वैसे ही हम भी जब तक नहीं समझेंगे कि ये जो सारी चीजें हैं वो हमारी प्रोप्राइटरशिप की नहीं है, ये तो भगवान कृष्ण ने उत्पन्न की है, तो हमें हमारा यही कर्तव्य बनता है कि वो भगवान के लिए यूज की जाए। तो भगवान ने कृपा करके दी है तो भगवान को हम अर्पण करेंगे, और हमारे लिए जितना जरूरी है उतना हम भी हमारे शरीर निर्वाह के लिए करेंगे, क्योंकि ये शरीर को भी भगवान की सेवा में लगाना है। तो ऐसे ही है ये बात, जैसे हम गंगा जी को क्या अर्पण कर सकते हैं, गंगा जी को क्या करेंगे, गंगा जी का जल लेके गंगा जी में अर्पण करेंगे। तो ऐसे ही भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसको पूरा भगवान के लिए यूज करना चाहिए। तब हमें ये प्रतीत होगा कि ये घर के स्वामी भगवान है, श्री श्री राधा माधव, श्री श्री राधा श्याम सुंदर है, और हम उनके सेवक हैं। उनके लिए हम घर में झाड़ू लगाएंगे, पोछा मारेंगे, घर को अच्छे से रखेंगे, भगवान के लिए खाना बनाएंगे, सारी चीज हम करेंगे भगवान के लिए। तो इस भावना से हमें घर में रहना चाहिए। आगे क्या कहा, जिन जिन स्थानों में श्री गौर सुंदर भगवान ने गए हैं, यात्रा की है, उन सभी स्थानों के ऊपर मैं भ्रमण करना चाहता हूं। तो आप देखिए कि कहीं भी हम भगवान के धाम में जाते हैं, चाहे वृंदावन है, चाहे यहाँ हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है मायापुर में रहने का, मायापुर है या श्री जगन्नाथपुरी है, हरिद्वार है, रामेश्वरम है, पूरा भारत आप देखेंगे, गया है, पूरा भारत भगवान के धाम से, पवित्र तीर्थ स्थानों से भरा हुआ है। तो आजकल लेकिन क्या हुआ है, ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के प्रभाव से लोग इतने ग्रस्त हो गए हैं कि वो धाम का महत्व नहीं समझते हैं, क्योंकि उसके बारे में कोई माहिती ही नहीं दी जाती है। तो इसीलिए लोग फालतू में जब अपने कार्यों से परेशान हो जाते हैं, पूरा हफ्ता भर महीना भर काम करके, तो वो कहीं घूमने जाने का प्लानिंग करते हैं, और कहाँ जाते हैं, दीव, दमन, गोवा, और को किसी को वहां भी संतुष्टि नहीं होती तो विदेश में जाते हैं, और जाके आकर वापस वही अपने कार्य में लग जाते हैं। हाँ, जैसे पुनः पुनः चरवी चरवणा नाम, चबाए को बार बार चबाना, लेकिन उसमें जब तक वो कृष्ण को नहीं जोड़ेंगे तब तक उनको संतुष्टि होने वाले नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसे स्थानों में भ्रमण करना चाहिए जहाँ भगवान की लीलाएं हुई हो, जहाँ भगवान प्रकट हुए हो, तो उससे हमारा संबंध भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेगा। और ऐसे जो स्थान अपवित्र है या जिसका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है वहां हमें नहीं जाना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर, मेरा मन सदैव मृदंग की ध्वनि सुनने के लिए लालायित रहता है। इसका अर्थ क्या है कि हमें हमेशा भक्तों को अपने घर बुलाना चाहिए और हरे कृष्ण कीर्तन का प्रोग्राम करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा करने से क्या होता है, बहुत आनंद होता है, हृदय आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगता है। और क्या कहा, गौर चंद्र द्वारा स्थापित कीर्तन। ऐसा नहीं, आजकल भारत में लोग इतने आलसी हो गए हैं, या कहेंगे तो इतने मतलब लिथार्जिक, इतने लापरवाह जैसे हो गए हैं कि मंदिर तक नहीं जाते, भगवान के लिए गाने के लिए भी वो उत्सुक नहीं है, या भगवान के लिए कुछ करने
करताल बजाए, मृदंग बजाए, उसके लिए भी वो उत्सुक नहीं है। तो क्या करते हैं, टीवी पे लगा दिया, हाँ, या रेडियो में जो आते हैं वो सुन लिया। वो प्रोफेशनल कथाकार है या सिंगर है, वो अपने स्टूडियो में भजन या वो बनाते हैं और लोगों को भेजते हैं, और लोग वही सुनते रहते हैं, जिनमें ना ही भक्ति होती है ना ही उनका चरित्र कुछ होता है। उनका प्रोफेशन है गाना, इसके लिए उन्होंने गाया, उन्होंने लाखों रुपए कमा लिए, और हमने ऐसा हम प्रतीत कर लिया कि हम तो ये भजन हर रोज लगा ही रहे हैं, हम तो हनुमान चालीसा सुन लेते हैं, हम तो कृष्ण के भजन सुन लेते हैं, तो हम तो बहुत भक्ति करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में तनिक भी काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य कम नहीं होता है। तो क्या मतलब है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर से वो व्यक्ति जिसको हम सुन रहे हैं उसकी चेतना से हम प्रभावित होंगे। और दूसरी तरफ देखिए, श्रील प्रभुपाद जी 70 साल के उम्र के अमेरिका गए, टॉपकिन स्क्वायर पार्क एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे ऐसे करताल के साथ हरे कृष्ण गाना शुरू किया। और आज देखिए 50 साल में पूरी दुनिया भर में कितने मतलब लाखों की संख्या में लोग भक्त बन रहे हैं, और सिर्फ हिंदू ही नहीं, हाँ, रशियन, चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, यूरोपियन, आपने और हमने जिन देशों के नाम नहीं सुने, ऐसे भी देश के लोग हैं जो कृष्ण भावना भावित हो गए। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में शुद्धता थी, इसीलिए शुद्ध भक्तों की चरण धूलि, इसीलिए कहा गया कि शुद्ध भक्तों का हमें अनुगमन करना चाहिए। ऐसे प्रोफेशनल कथाकार या भजनकार, इससे कोई लाभ नहीं होगा। आप सालों सालों तक सुनते रहिए, कोई लाभ नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे बस इस प्रकार कीर्तन किया। और जिन व्यक्तियों ने कृष्ण राम का नाम भी नहीं सुना था, भगवत गीता जीवन में कभी देखी भी नहीं थी, ऐसे लोग महान भक्त बन गए। तो हमें क्या करना चाहिए, महाजना येन गता सपन्ता, जिन मार्ग का अनुसरण महान व्यक्तियों ने किया है उसी पथ का हमें भी अनुसरण करना चाहिए। तो आप लोगों से विनती है, आज एकादशी है, बहुत ही शुभ दिन है, आप भी अपने घर ये कलयुग में जो विशेष रूप से बताया गया है, इस 16 16 भगवान के शब्दों का बना हुआ महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलि कल्मषनाशनम् नाथः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी ने कहा है कलि संकरण उपनिषद में कि ये 16 शब्दों से, 16 नाम से बने हुए महामंत्र के कीर्तन और जप के अलावा कलयुग में और कोई चारा नहीं है भगवान को प्राप्त करने का। तो आप भी आज से प्रारंभ करके देखिए, आप व्यक्तिगत रूप से ऐसे माला के ऊपर जप कर सकते हैं, और सामूहिक रूप से मृदंग करताल बजाकर भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं। इसके बारे में हम आने वाले सत्रों में अच्छे से बताएंगे। तो आज हम ये भजन को आगे और प्रयास करेंगे देखने का। तो आगे क्या कह रहे हैं, श्री श्री राधा कृष्ण के विग्रह को देखने से मुझे परम आनंद का अनुभव होता है, और भगवान का प्रसाद प्राप्त करके मेरा संपूर्ण मोह दूर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भगवान के दर्शन की और भगवान को भोग लगाए हुए प्रसाद की महिमा का वर्णन हुआ है। क्या कह रहे हैं, भगवान के दर्शन इतने सुंदर है, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम, है ना। लेकिन हम तो क्या करते हैं, हर रोज टीवी दर्शन, एंड्रॉइड फोन दर्शन, हमारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि आप ये यूट्यूब पे आए। लेकिन क्या है, सब लोग यूट्यूब पे है, सब लोग एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसी के माध्यम से कुछ देना भी पड़ेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को कोई नास्तिक व्यक्ति मिल गया, वो पूछने लगा, अरे आप सन्यासी होके प्लेन में भ्रमण करते हो, ये है वो है, बहुत कुछ बोलने लगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूछा, अच्छी बात है, हाँ आपकी बात सही है,
सन्यासी को इतना ऑपुलेंट नहीं होना चाहिए, ऐसे भ्रमण नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि सन्यासी का कर्तव्य क्या है? तो उसने बताया, हाँ सन्यासी का कर्तव्य है कि जो लोग गुमराह हैं उनको सही मार्ग पर ले जाना, शास्त्रों के अनुसार शिक्षा देना और उसको सही मार्ग पर लाना। तो फिर प्रभुपाद जी ने पूछा, अगर कोई 400 की स्पीड से नरक में जा रहा हो और आपको उसको बचाना हो तो आपको कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा? ऑब्वियस है, कम से कम 400 की स्पीड में जाना पड़ेगा। तो सब लोग अभी प्लेन के माध्यम से नरक में जा रहे हैं तो मुझे बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लेन में जाना पड़ेगा। तो वो बोले, हाँ, सही बात है। तो हम चाहते हैं कि आप YouTube यूज नहीं करें, आप एंड्रॉइड फोन यूज नहीं करें, आप भगवद गीता लीजिए, श्रीमद भागवतम लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान का बहुत अच्छा सुंदर फोटो रखिए घर में, उसको सुबह शाम आरती कीजिए, और बाकी अपना जो भी भक्ति विनोद ठाकुर इतने जवाबदार पोस्ट पे थे फिर भी इतना करते थे, हमें भी उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। अम्बरीश, प्रहलाद, पांडव, कितने सारे महान महान भक्त हो गए जो पूरे पूरे साम्राज्य के जवाबदारी लेकर चलने वाले थे, तो उनके अनुसार हमें भी चलना चाहिए, है ना? तो भगवान के विग्रहों को हमें देखना चाहिए, नहीं के टीवी, सिनेमा और ये फालतू की गप सप। ये सब कम से कम एकादशी के दिन तो नहीं। ये उपवास का मतलब यही होता है, एक अर्थ कि जो भी पाप कार्य में हम प्रवृत्त होते हैं उससे हमें बाहर निकलने का, भगवान के समीप रहने का, भगवान के साथ वास करने का। तो भगवान के साथ वास कैसे होगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान की कथा सुनो, भगवान के बारे में पढ़ाई करने से, भगवान की सेवा करने से, तुलसी की सेवा करने से, तो ये सब करने से हम भगवान के समीप रहेंगे। और भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना, तो ये एक श्लोक भगवान ने स्वयं भगवद गीता में भी कहा है कि यज्ञाशिष्टा सिना संतो मृच्यन्ते सर्वकिल विषये भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। जो केवल अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए ही भोजन बनाते हैं वो लोग निश्चित रूप से पाप खाते हैं। और क्या कहा? यज्ञाशिष्ट सिना संतो, संतो भगवान के भक्त लोग वो क्या करते हैं? भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसी इसकी वजह से क्या होता है? भुंजते ते त्वघं पापा, मतलब वो सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। नहीं, हाँ, मृच्यन्ते सर्व किल्बिषे, वो सारे किल्बिष, सारे जो अनर्थ हैं उससे वो मुक्त हो जाते हैं। तो इसीलिए आपसे विनती है, कृपया आप भगवान को भोग लगाना नहीं जानते हैं तो हम आपको एक बहुत ही छोटी सी किताब है, कृष्ण भक्ति प्रबोधिनी, कृष्ण भावना में पहला कदम, तो वो आप हमें मंगवा सकते हैं। आप हमारे मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा आपका एड्रेस, फोन नंबर, तो हम आपको जरूर भिजवा देंगे। तो उस प्रकार से हमें भगवान को भोग लगाया हुआ अन्न प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन हमारी क्षमता के अनुसार भगवान को भोग लगाने चाहिए। आगे क्या कहा? मैं जब भी अपने घर भगवान की पूजा होते हुए देखता हूं तो मुझे मेरा घर गोलोक प्रतीत होता है। मैं भगवान चरण कमलों से प्रवाहित होने वाली अमृतमय गंगा को देखकर मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रहती। तो यहाँ मायापुर में नजदीक में ही गंगा जी के उस पार भक्तिविनोद ठाकुर का घर है, तो वहीं से गंगा के दर्शन होते रहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि गंगा को देख के मेरे सुख की कोई सीमा नहीं रहती। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरण कमल से निकली है, तो उनसे भगवान के चरण कमल के दर्शन होते हैं उनको। तो ऐसी भावना हमें भी विकसित करनी चाहिए। अगर हम भगवद गीता का 8वां, 9वां, 10वां, 11वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें क्रमिक रूप से भगवान बताते हैं कैसे मैं पानी का स्वाद हूँ, कैसे मैं पृथ्वी की सुगंध हूँ, कैसे मैं सूर्य चंद्रमा का प्रकाश हूँ। तो ये सब बात, क्योंकि हम आत्मा के स्तर पे नहीं है, हम भौतिक दृष्टिकोण से ही सब कुछ चीजें देखते हैं, तो इसीलिए भगवान ने हमें बताया कि इस रूप में मैं पूरी सृष्टि में व्याप्त हूं।
तो इस प्रकार से हम भगवान का दर्शन सभी जगह कर सकते हैं। आगे क्या कहा, पवित्र तुलसी का दर्शन करने से मुझे मेरे प्राण को सुख मिलता है। और क्या होता है, थोड़ा समय हो गया है लेकिन हम 5 मिनट और लेंगे अगर आप सब सहमत है तो आगे क्या कहा कि तुलसी के दर्शन से प्राणों को सुख मिलता है क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रेयसी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। हम सुबह में और शाम को तुलसी आरती जो गाते हैं तो वो भी वो पुस्तिका में दिया हुआ है कैसे आपको तुलसी की सेवा करना है वगैरह वगैरह। तो उसमें क्या कहा है कि तुलसी को देखकर मुझे मेरे प्राणों को सुख मिलता है और भगवान को जो प्रिय व्यंजन है उसको मैं आस्वादन करके अपने जीवन को सार्थक हुआ मानता हूँ। और आखिरी स्टंजा में भगवान कह रहे हैं सॉरी श्री भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की सेवा भजन के लिए जो भी अनुकूल है उसे मैं अत्यंत सुख पूर्वक प्रतिदिन ग्रहण करता हूँ। तो ये भक्ति का नियम है, अनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम्। जो भी हमारे भगवान के साथ संबंध स्थापित करने में सहायक है उन उन चीजों का हमें स्वीकार करना चाहिए और जो चीज भगवान के साथ हमारे संबंध में बाधा रूप है उसको हमें त्यागना चाहिए। तो ये निर्णय, ये बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के आधार पे हमें हमारे जीवन के सारे निर्णय करने चाहिए। हमें होटल में जाना चाहिए कि नहीं, तो हमें पाप खाना है तो जाना चाहिए, हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए कि नहीं, तो अगर हमें पाप मुक्त होना है तो भगवान को भोग लगाना चाहिए। यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर ने बता दिया आपको घूमने कहाँ जाना है, तो भाई भगवान के तीर्थ स्थानों में जाना है। तो बहुत ही व्यवहारिक रूप से इस भजन में सारी चीजें भक्तिविनोद ठाकुर ने इंगित कर दी है। हमें भक्तों को घर पे बुलाना चाहिए, कीर्तन भजन सत्संग प्रोग्राम रखना चाहिए, ऐसे कार्य हो रहे हो उसमें हमारा जो भी कमाई है उससे प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। फिर और क्या कहा, तुलसी की पूजा करनी चाहिए और हर रोज मतलब भगवान का भजन कीर्तन सुबह शाम होता रहे उस प्रकार से आयोजन करना चाहिए। और भगवान को अलग अलग प्रकार के व्यंजन भोग लगाना चाहिए, मतलब भगवान के शिव विग्रह की सेवा करनी चाहिए, फूल माला इत्यादि भगवान को पहनाना चाहिए। तो इस सब प्रकार से हम भगवान के साथ हमारा जो संबंध भूल गए हैं उसको री एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और ये जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनके द्वारा जो भजन या रचनाएं हुई हैं वो शास्त्रों का निचोड़ है। जैसे इसी भजन को अगर हम स्क्रूटिनाइजिंग करेंगे, अगर उसको हम पृथक्करण करके देखने का प्रयास करेंगे तो ये पूरा भगवद गीता का सार है। भगवान भगवद गीता में बताए हैं 4th अध्याय में किस प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त होगा, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषिविदो। और फिर क्या कहा 34वें श्लोक में कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसने ये ज्ञान आत्मसात किया हुआ हो। तो भगवान के अलावा भगवान को भक्तों के अलावा और कौन जानता है। भक्त्या